हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, फाइनली मैंने बाय कर लिया है मेरा ऑल न्यू लेवरियर माइक, ठीक है, जो कि है गाइस बोया BY M1, जिसको कि मैंने अब फाइनली बाय कर लिया। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि मेरे को एक माइक की ज़रूरत है, ठीक है, एंड फाइनली मैंने इसको बाय कर लिया। एंड गाइस, इससे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ माइक, जिससे अभी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो है गाइस माउनो AU 400, ठीक है, जिसका कि मैं अभी आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये है माउनो AU 400 का बॉक्स, ये रहा, और ये है इसका पाउच। इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका अनबॉक्सिंग, ठीक है। एंड गाइज, अब मैंने फाइनली बाय कर लिया है मेरा न्यू माइक, जो कि है बोया BY M1। देख सकते हैं ये रहा इसका बॉक्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसका करूँगा अनबॉक्सिंग, और कैसे क्यों मैंने इस माइक को लिया अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, इसलिए मैंने इसको बाय किया क्योंकि गाइज ऐसे मेरा जो माउनो AU 400 है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, और इसका भी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बट गाइज, इसमें जो वायर है ये काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रहा था, ठीक है, इसीलिए मेरे को मन था एक और लेने का माइक, ठीक है, जिसका कि वायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो और उसका ब्रांड भी अच्छा हो। और ये जो माइक है गाइज बोया BY M1, इसमें सारा कुछ है, और मैक्सिमम यूट्यूबर्स गाइज इसी को यूज करते हैं, और इसका सारा कुछ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आज मैं भी इसको फाइनली बाय कर लिया हूँ, और आज के इस वीडियो में मैं करूँगा इसका अनबॉक्सिंग। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम और गाइज फेसबुक को फॉलो किया गया, स्टोरी स्टोरी के स्क्रीन पे दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइज, ये रहा बोया BY M1 का बॉक्स, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें मिलता है देखने को। और गाइज, ये है मेरा पुराना माइक का बॉक्स, ठीक है, ये है माउनो का AU 400, इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक मैं जितना भी अभी वॉइस आप सुन रहे हो ये इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, अभी मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने वॉइस को। तो गाइज, ये रहा फाइनली मेरा बोया BY M1 का बॉक्स, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। पीछे में बहुत सारे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि गाइज ये जो माइक है ये आप स्मार्टफोन DSLR में और PC वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड इसका लो हैंडलिंग नॉइज भी है, ठीक है, इसमें नॉइज़ काफ़ी कम आता है, तो वो भी आपको मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। और इसमें गाइज हम लोग को मिलता है इंक्लूड्स ए लेपल क्लिप, ठीक है, एक लेपल क्लिप मिलता है, और LR44 बैटरी मिलता है, और फ्रॉम विंड स्क्रीन भी मिलता है, और 1/4 एडेप्टर भी आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। इसका जो वेट है गाइज वो है 2.5 ग्राम का वेट, इसका जो वेट है गाइज वो है 2.5 ग्राम, एंड और बैटरी जो टाइप है वो है LR44 बैटरी टाइप है इसका, ठीक है। एंड अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कुछ कैसा है, एंड साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे बोया लिखा हुआ है BY M1, ठीक है, और ये ओरिजिनल है, ठीक है, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है क्योंकि गाइज अभी काफ़ी सारे फेक भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉपी भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारे ओरिजिनल भी आ रहे हैं। तो अगर गाइज आपको कुछ इस तरह का मिलेगा तो आप समझिएगा कि ओरिजिनल है, और मैंने चेक कर लिया सारा कुछ, तो ये ओरिजिनल निकला, ठीक है। तो यहाँ से खोलने का दिया हुआ है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है इस बोया BY M1 माइक की, आप देख सकते हैं अब ये निकल चुका है, ठीक है। तो ये रहा पाउच जिसके अंदर हमारा माइक है, और भाई पाउच की क्वालिटी गाइज काफ़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छा लग रहा पाउच पकड़ने में इसका, और काफ़ी बड़ा पाउच भी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पाउच है। और गाइज इसके अंदर मिलता है हमें, सारे को हम लोग निकाल लेते हैं। तो गाइज इसके अंदर है फर्स्ट मैनुअल गाइड, ठीक है, इसको आप पढ़ के इसको ऑपरेट कर सकते हो, और जहाँ तक मेरे को पता है गाइज इसको कोई रीड नहीं करता है, ठीक है। सेकंड है गाइज ये है वारंटी कार्ड, ठीक है, इसमें आप वारंटी, इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो इसका वारंटी कार्ड है ये, ठीक है। तो गाइज जो नेक्स्ट है ये है बोया का स्टिकर, ठीक है, 2 बोया का स्टिकर मिलता है, आप कहीं भी इसको चिपका सकते हो, मेरा जो न्यू लैपटॉप आएगा मैं उसी में इसको चिपका दूंगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं मिलता है, और भी तो कुछ नहीं इसमें है गाइज। अब है मेन हमारा माइक का जो पाउच है, इसी के अंदर सारा कुछ होगा, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये खुल भी रखा है, तो गाइज फर्स्ट हमारा मिल जाता है, ये रहा फर्स्ट में हमें मिल जाता है माइक, ठीक है, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा वायर है, आप देख सकते हो इसी के लिए मैंने इसको बाय किया। एंड ये है इसका कह सकते हो कंडेंसर, या फिर कंडेंसर कह सकते हो गाइज, ठीक है। एंड और इसके अंदर हमें मिल जाता है, और गाइज इसके अंदर और हमें मिला है इतने और चीज़, ठीक है, और भी देख लेते हैं और कुछ है या फिर नहीं। तो ये है गाइज सिलिका जेल का पैकेट, जिसको कि आपको फेंक देना है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। और गाइज आप और कुछ आपको पाउच में नहीं मिलता, पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, आप इसको कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो। और इसके अंदर कुछ कुछ दिया गया है, तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर गाइज एक है विंडशील्ड, ठीक है, जो कि आप माइक के ऊपर लगा सकते हो। और गाइज ये है
शायद से हम लोग का जो DSLR होता है उसमें लगाने के लिए होगा। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं और क्या क्या है। एक्सेल मिल जाता है, ठीक है। बैटरी जिसके पास DSLR है उसको सेल को लगाना है, जिसके पास कैमरा फ़ोन है तो भाई इसका कोई काम ही नहीं पड़ता है, और मेरे को इसका कोई काम भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं गाइस DSLR यूज करता ही नहीं। और अब ये रहा हमारा सारा माइक, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा वायर है एंड इसको शायद गाइस कंडेंसर कहा जाता है, ठीक है। बोया का ब्रांडिंग किया गया है, आप देख सकते हो। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कैमरा और स्मार्टफोन के लिए। अगर आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा पे कीजिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में कीजिए। और अगर आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हो तो आपको सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सेल यहाँ से लगता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से आपको सिंपली यहाँ खोल देना है इसको, और देखिए यहाँ से खुल जाएगा। खुलने के बाद गाइस यहाँ पे सेल लगाने का दिया है, तो अभी तो मैं सेल लगाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास तो है स्मार्टफोन। एंड चलिए इसको अब लगा देते हैं, एंड लग भी चुका है गाइस। और ये रहा हमारा फाइनली माइक, और यहाँ पे क्लिप दिया हुआ पहले से ही। एंड यहाँ पे जो विंडशील्ड है इसको भी पहले हम लोग इसमें लगा देते हैं, ठीक है। और पैकिंग तो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त की हुई है इस माइक की। मोनो AU 400 में इतना ज़बरदस्त पैकिंग नहीं मिला था, तो इसको चलिए इसके अंदर लगा देते हैं। और गाइस बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी माइक का यूज करते हैं। आज मैं भी इसका वॉइस क्वालिटी टेस्ट करूंगा किस तरह का इसमें वॉइस क्वालिटी मिलता है मेरे को, ठीक है। और वायर गाइस जैसा कि मैंने बताया काफ़ी लंबा मिल जाता है। देखिए इधर और वायर दिया गया है और एक्स्ट्रा वायर इधर दिया गया है, ठीक है। और चलिए इसको खोल भी लेते हैं। तो गाइस देखिए ये वायर भी खुल चुका है, और वायर गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से खोल लेना है, एंड ये भी वायर आपका खुल गया। अगर गाइज आप ज़्यादा वायर का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको लगा भी सकते हो जिस तरह से ये लगा हुआ था अभी, ठीक है। तो ये भी फीचर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। और ये वाला शायद गाइज निकलेगा नहीं, ऐसे करके निकाल लेता हूँ तब पर भी मैं। तो गाइज ये भी निकल चुका है, एंड ये रहा एक्स्ट्रा वायर, इसको भी निकाल लेते हैं। तो गाइज़ ये भी निकल चुका है, ठीक है। एंड काफ़ी अब बड़ा हो जाएगा ये माइक, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और गाइज़ यहाँ पे 3.5 mm का जैक, ठीक है, आप देख सकते हो। तो भाई ये देखिए इतना बड़ा वायर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फटाफट से गाइज पहले तो इसका वॉइस क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं किस तरह के इसमें वॉइस क्वालिटी आती है। तो गाइज़ अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये नॉन एडिटेड वॉइस है, और ये बिना माइक के वॉइस सुन रहे हो, ठीक है। मैंने कोई माइक का यूज़ नहीं किया है, और ये नॉन एडिटेड वॉइस है, ठीक है। तो अभी आप जो सुन रहे हो इसमें मेरा कमरा का नॉइस सारा कुछ आ रहा है, अभी फैन भी ऑन है, ठीक है। तो आप सारा कुछ नॉइस सुन लीजिए, अभी मैं चुप हो जाता हूँ। तो गाइज आपने नॉइस सुन लिया इस कमरे का, ठीक है। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ अपना बोया BY-M1। आप देख सकते हो ये रहा मेरा बोया BY-M1, एंड इसको अभी मैं नॉन एडिटेड साउंड बनाऊंगा, ठीक है। जैसे एडिट नहीं करूंगा इसका भी साउंड वॉइस क्वालिटी को, आपको जो सुनाई पड़ेगा इसका रियलिटी वॉइस सुनाई पड़ेगा। तो आप ईयरफोन जरूर लगाइएगा जस्टिफाई करने के लिए। तो गाइज अब जो आप साउंड सुन रहे हो ये सुन रहे हो मेरे बोया BY-M1 से, ठीक है। एंड नॉन एडिटेड वॉइस है ये, और आप ईयरफोन लगाए होगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो इस वॉइस को, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं है वॉइस में, जो है आपके सामने है। एंड ये रहा इसका कंडेंसर, ठीक है। ये बार बार लटक रहा था तो ये भी मेरे पास ही है। एंड इसका जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा, अभी मैं चाहूँ तो गेट के पास भी जा सकता हूँ आराम से, बट जो वायर है वो आप देख सकते हो आपस में उलझा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी दूर नहीं जा सकता। इसको अच्छा से खोलना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैं दूर जा सकता हूँ। जितना ये उलझा हुआ था और मैंने इसको अलग करने की पूरी कोशिश की, तो काफ़ी कुछ मैंने अलग कर लिया है वायर। आप देख सकते हो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा दूर जा सकता हूँ। अभी आप देख रहे होगे मैं अभी गेट के पास पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हो जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा बच रखा है, ठीक है। तो अभी भी मैं चाहूँ तो और भी दूर जा सकता हूँ, ठीक है। इसी के लिए मैंने इस माइक को बाय किया है, क्योंकि गाइस इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स लगे मेरे को। और कैसा आपको वॉइस क्वालिटी आ रहा है गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा। फाइनली मैंने न्यू माइक बाय कर लिया है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि बोया BY-M1 लेना है, एंड फाइनली आज मैंने बाय कर लिया। एंड गाइज यार अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को कितना प्राइसिंग लगा, बहुत देर हो गया नहीं बताया अभी तक मैंने। तो गाइज जो मेरे को प्राइसिंग लगा है वो लगा है गाइज 750 रुपीज़, ठीक है। एंड 750 रुपीज़ के हिसाब से तो गाइज वैल्यू फॉर मनी कर सकते हो एक तरह से। अभी तक तो जितना मैं वॉइस क्वालिटी इसका सुना हूँ तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लग रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम और गाइस फेसबुक को फॉलो नहीं किया गाइस, स्क्रीन पे दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप वॉचिंग।